17 मई को पूरे विश्व में हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के प्रति लोगों को जागरूक करना है, लेकिन चिकित्सकों ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। 17 मई को पूरे विश्व में विश्व हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का मकसद लोगों को जागरूक करना, जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, किन लोगों में ये पाया जाता है और जिससे होने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसी विषय पर आज बात करेंगे जो शहर के जाने माने जो फिजिशियन है डॉक्टर बी के अग्रवाल जी, क्योंकि सी न्यूज़ के माध्यम से पिछले 2 दशकों से ये हम ऐसे जागरूक कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग कम से कम बीमार पड़े। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपके माध्यम से हम अक्सर मैसेज पहुंचाते हैं कि आज सर विश्व हाइपरटेंशन दिवस है। सर ये है क्या, ये हाइपरटेंशन और किन लोगों को सर पाया जाता है? देखिए हाइपरटेंशन आज 17 मई को एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इस बार का जो थीम है मेजर एक्यूरेटली, सेकंड कंट्रोल इट, एंड एक थर्ड वर्ड है इसमें लिव लॉन्गर। तो उद्देश्य ये है कि हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो मेन एक रीडिंग है कि एक लोगों को ये भ्रांति रहती है कि पता नहीं कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए हमारा। पहले लोग कहते थे कि अगर एज ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर हमारा एज के अकॉर्डिंग अगर 160 है, मान लो सपोज़ 70 साल के इंसान है 160 भी नॉर्मल है, तो ऐसा अब नहीं है। बीच में जो स्टडीज़ हुई उनमें ये देखा गया कि जो एक गाइडलाइन जनरेट हुआ ओवरऑल इंडिया का, फॉरेन का, विदेशी, अमेरिकन हाइपरटेंशन गाइडलाइन, सब में सिर्फ एक ही चीज़ है कि 140-90 से अगर ऊपर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर है तो फिर उसको कह देते हैं कि भाई ये ब्लड प्रेशर है। लेकिन ब्लड प्रेशर नापने के उसके तरीके अलग अलग है। एटलीस्ट 2 या 3 रीडिंग्स, जैसे हमने एक ब्लड प्रेशर नाप लिया, कभी हमने सीढ़ियाँ दौड़ी ब्लड प्रेशर नाप लिया, बढ़ा हुआ आएगा उस टाइम पे, तो उसको ब्लड प्रेशर नहीं कहते। रेस्टिंग सिटिंग पोजीशन में अगर इतना ब्लड प्रेशर आता है तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। सर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आज जो मौतें सर जो हो रही हैं वो हृदय और जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, क्योंकि जो हृदय की बीमारी वो भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। देखिए करीब करीब जो प्रेवलेंस है वो ऐसा देखा गया है कि अगर हम दोनों क्षेत्र को अलग अलग करें, एक उम्र के पार्ट को अलग अलग करें, डिवाइड करें, तो जैसे अर्बन एरिया जो अपना आगरा शहर या दिल्ली शहर या चंडीगढ़, जो बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या जो शहरी क्षेत्र है उनमें, और जो गांव वाले क्षेत्र हैं उनमें, तो लगभग ये देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में थोड़ी सी इसकी संख्या ज़्यादा रहती है। जो टोटल ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनकी उम्र 25 से लेके 60-70 साल है, इस एज ग्रुप के जो पेशेंट हैं उनमें लगभग 20% से लेके 20% तक पेशेंट जो लोग हैं वो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। ऐसा भी, और जो विदेशी स्टडी देखी गई है कि उसमें 25% भी प्रेवलेंस पाई जाती है। आपको सब बात करें, ये लोग अक्सर कहते हैं ये जो बीमारी है हाई जो ब्लड प्रेशर, या तो अमीरों की बीमारी या फिर जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनको होती है। सर नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए अमीर और नहीं, लेकिन हाँ हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि शहर क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो ठीक ठाक हैं, वेल ऑफ हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर की संख्या ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये नहीं कि ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है, गरीबों में भी हो सकती है, जो लोग किसी भी और बीमारी से पीड़ित है उनको भी हो सकता है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको भी हो सकता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर ये नहीं कि, हाँ ऐसा देखा जाता है कि जो खान पान है वो गाँव वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उनमें पसीना ज़्यादा आ रहा है, लेबरर हैं, काम कर रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, और साथ में कोई बीड़ी सिगरेट शराब का कोई शौक नहीं है, तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर की संख्या कम रहती है। मतलब उम्मीद ही रहती है कि इनको ब्लड प्रेशर नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में ब्लड प्रेशर नहीं होगा और शहर क्षेत्र में जो पैसे वाले उन्हीं की बीमारी है, ऐसा अब नहीं है। जैसे एक शुगर के लिए भी ये कहा जाता था कि भाई ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों को शुगर नहीं होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र भी अपने शहरी क्षेत्र हो गए, इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतना विकास होने के बाद तो ग्रामीण गाँव गाँव नहीं रहे, तो इसलिए अब कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है, किसी को भी वो ब्लड प्रेशर हो सकता है। डॉक्टर बात करें, आपने बताए लक्षण बताए, बीमारी के कारण बताए आपने, अब सर उपचार की बात करें तो अक्सर देखते हैं कि जो जिन मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ वो तभी खाते हैं जब उनको समस्या होती है, वो तभी तक उसको दवा को बंद रखते हैं। देखिए इसमें सिर्फ 3-4 बस मैं पॉइंट्स बता दूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर 2 या 3 रीडिंग, कई बार आपको ऐसा देखा गया है कि आपका 140-90 से ऊपर आता है, तो डॉक्टर के बताए अनुसार मेडिसिन डेली लें, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी कम आता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर कम आया था और मैंने दवाई बंद कर दी,
आप ब्लड प्रेशर अगर कम आता है, गोली की डोज कम कर दो, आधी कर दो टैबलेट जो आप ले रहे हो, लेकिन बंद मत करो और अपने फिजिशियन से राय ले लो कि भाई मेरे को गोली बंद करनी है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की गोली आप ज़्यादा पावर की खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपने नापा लो निकला और आपने दवाई बंद कर दी, सडनली ब्लड प्रेशर शूट किया, पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्लड प्रेशर से क्या होता है कि जैसे स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, दूसरा अगर आप बीड़ी सिगरेट साथ में पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, डायबिटीज़ है, तो ऐसे में हार्ट अटैक का रिस्क, अगर ब्लड प्रेशर है साथ में डायबिटीज़ है तो हार्ट अटैक का रिस्क 4 गुना 8 गुना हो जाता है। तो एक तो दूसरा ये प्लस ब्लड प्रेशर की वजह से फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होती है, मतलब हार्ट पंप जो कर रहा है, शरीर में ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसको पंप ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, सांस फूल जाती है और आप अचानक पसीना आया, घबराहट हुई और आप एडमिट हो गए, तो ये भी इसमें रहता है। तो ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं छोड़े। दूसरा एक जो आपने पूछा कि भाई इलाज में और मेन क्या है, एक तो ये दवाइयाँ हो गई, एक अपना एक लाइफ स्टाइल, सुबह का अपना टहलना, साथ में आपका बीड़ी सिगरेट, इसमें बहुत घातक होती है, बीड़ी सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं। अगर ब्लड प्रेशर है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, 8 गुना रिस्क हो गया हार्ट अटैक का, 8 गुना 10 गुना रिस्क हो गया ब्रेन स्ट्रोक का। तो स्मोकिंग इसमें बहुत डेंजरस है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जैसे शराब का सेवन भी लोग करते हैं, उधर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, साथ में ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर की गोली छोड़ दी, अचानक बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं, हॉस्पिटल पहुँच गए, पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया। तो उससे बचने के लिए एक शराब का सेवन नहीं करना है। चौथा जो आता है प्रॉपर स्लीप लेना। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर साहब इतना तनाव है, मेरे को तो समय नहीं मिलता ना एक्सरसाइज का ना उसका, इतनी भाग दौड़ है ज़िंदगी में। भाग दौड़ है भाई साहब, लेकिन आप अपना 6-7 घंटे की स्लीप आप जरूर लीजिए, तो आप सोने से एंग्जाइटी कम होने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। बिल्कुल सही कहा, इस दिवस पर लोगों को सिर्फ जागरूक करना है, लोग अवेयर हों ताकि जो है इन बीमारियों से दूर रह सके। साथ में जो युवा वर्ग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो टिप्स दी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस उम्र में लोग बीमार होंगे तो पूरा भविष्य उनका जो ख़राब हो जाएगा, पूरे जीवन में उन्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, उन्हें हार्ट की गंभीर बीमारी हो सकती है, साथ में और जो बहुत सारे जो स्ट्रोक हैं और जो अंदर जो पेट के अंदर जो ऑर्गन होते हैं बहुत सारे, उनको भी इफेक्ट डाल सकता है आपका ये हाई ब्लड प्रेशर। ध्यान रखें, सतर्क रहें और नियमित अपने चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। कैमरामैन राहुल के साथ लक्ष्मण सिंह, सी न्यूज़ आगरा।